हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल और हेल्दी टी टाइम स्नैक्स और ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये रेसिपी है पोहा कटलेट की। ये कटलेट ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप पोहा, 2 उबले हुए आलू, 1/2 कप मटर जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, 1 कप घिसा हुआ गाजर है और 1 फाइनली चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें मैंने लिया है 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/3 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा और 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लास्ट में मेरे पास है चाट मसाला 1/2 छोटी चम्मच। अब हम सबसे पहले पोहा को 2 से 3 बार साफ पानी में धो लेंगे। पोहा अच्छे से धुल गया है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 5 मिनट में पोहा सारा पानी सोख कर लेगा। पोहे ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में रखेंगे और एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। और कुछ देर के लिए हम इसे एक साइड रख देते हैं। हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें उबले हुए आलू डालेंगे और एक फोर्क की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे और मटर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम अपने सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का यूज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं और कटलेट के लिए कॉर्नफ्लावर मैदा का घोल बनाएंगे। इसके लिए हम एक बोल में 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच मैदा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है। 1/2 कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस बैटर से हम अपने कटलेट्स को कोट करेंगे। कॉर्नफ्लावर और मैदा का बैटर बनकर रेडी है। यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। अब हम कटलेट बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे और हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम एक छोटी बॉल के साइज़ का कटलेट डो हाथों में रखेंगे और उसे रोल करेंगे। इसे अच्छी तरह से बॉल बनाएंगे और इसे फ्लैट करेंगे। आप इसे अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट बनाकर रेडी करेंगे और प्लेट में रख लेंगे। यहाँ मैंने सभी कटलेट को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब और कॉर्नफ्लावर बैटर से कोट करेंगे। कोट करने से पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है।
है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब हम एक एक कटलेट को बैटर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। कटलेट को आप ब्रेड क्रम से सभी तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। यहाँ हमारा पैन भी रेडी है, ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हम इसमें अपने कटलेट्स रखेंगे। आप कटलेट को शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कटलेट को बेक भी कर सकते हैं। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इन्हें हम पलट पलट कर दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कटलेट को कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स की जगह हम सूजी या रवा या कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी इसमें बहुत अच्छा क्रिस्प आता है। हमारे कटलेट एक साइड से सेक चुके हैं, इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी साइड से सेक लेंगे। इसी तरह इन्हें पलट पलट कर हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। कटलेट्स का कलर बहुत अच्छा आ गया है और ये बहुत क्रिस्प हो गए हैं। अब हम कटलेट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फाइनली हमारे पोहा कटलेट बनकर रेडी हैं। कटलेट्स को हम गर्मा गर्म मिंट डिप टोमेटो सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर जरूर कीजिए। मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक या सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसी और भी मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।